नहीं है। अरे रुक रुक, अरे मैं पकड़ लूंगा तुझको, मैं पकड़ के दिखाऊंगा। ये बच्चे भी ना, आई का बैग गिरा दिया। ये फटी पुरानी साड़ी और ये ब्लाउज, ये आई के बैग में कैसे? ये क्या है? एंट्री फॉर वन पर्सन ओनली। ये तो किसी जगह का एंट्री पास है। इस पर तो एड्रेस भी लिखा हुआ है। और ये एंट्री पास और ये फटी पुरानी साड़ी, ये चक्कर क्या है? हाई तो ऐसी साड़ी होली पे भी नहीं पहनती, तो फिर ऐसे चितड़े कपड़े अपने बैग में लेकर क्यों घूम रही है? रसोई में जल्दी आ, यहाँ पे प्रमोद और सुरेश आए हैं। ओहो, ये वहिनी भी ना चूहों और कबूतरों की भी नाम रख देती है। जल्दी आ निर्मिति, यहाँ पे प्रमोद ने अपनी चोट से सुरेश की पूत पकड़ ली है। आले आले, इस बार तो पहले से भी बड़ी बाजी मारनी है हमें। भगवान की कृपा से सब सही जा रहा है, बस ये गरीब बन के जाना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन उर्मिला वहिनी का कहना भी सही है, जितने ज्यादा गरीब दिखेंगे उतना ज्यादा फायदा उठा पाएंगे परिस्थितियों का। है महेंद्र, आपका शक तो बिल्कुल सच साबित हुआ है, लेकिन अन्ना भाई को सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नाटक वो क्यों कर रहे होंगे? वो तो मुझे नहीं पता उर्मिली, लेकिन तू एक बात याद रख, तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। ऐसा क्या कर रहे हैं महेंद्र आप? सिर्फ चार लोगों को तो बताने दो। नहीं। अच्छा दो दो, सिर्फ दो लोग। नहीं। एक एक। अच्छा अच्छा महेंद्र, एक मिनट, खुद को, अपने आप को तो बताने दो मुझे। ठीक है, अपने आप को बता, लेकिन और किसी को नहीं। हुँ? और किसी को नहीं, अपने आप को। हाँ है उर्मिला, तुझे पता है क्या हुआ है? अरे वो डूबी। अपने आप से बात कर, लेकिन अकेले में जाकर। अकेले में जाकर? हाँ वाह, चलो ना अकेले। तू जाने अबे। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अन्ना भाई को कुछ भी दिखाई नहीं देता। हेलो, अन्ना। क्या क्या है, कुछ क्या? मेडिक्लेम के पेपर्स लाया हूँ अन्ना, आपके साइन चाहिए उस पे। आप हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तो क्लेम मिल जाएगा। अच्छा? हाँ, जितना खर्चा हुआ ना अन्ना, सारा का सारा खर्चा वापस। अरे वाह, ला ला कागज बिगड़ ला, बता मुझे कहाँ पे करने हैं हस्ताक्षर बिस्ताक्षर। ये लीजिए यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये लीजिए पेन। हाँ, हाँ। ये मेडिक्लेम के नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स है अन्ना। अपनी दुकान की पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपके साइन करते ही मेरे नाम पे हो जाएगी। ये क्या है, क्या है ये लार घोटा? क्या है, क्या है ये? क्या है? तुझे क्या लगा तेरा बाप दृष्टिहीन हो गया है, दिखता नहीं है उसे? माकड़ तोड़िया, ये क्या है ये? ये बॉल पेन दे रहा है मुझे, बॉल पेन दे रहा है हस्ताक्षर के लिए। तुझे मालूम है ना, कोई भी जरूरी कागज होते हैं उस पे हमेशा मैं स्याही वाली कलम से ही हस्ताक्षर करता हूँ, वो भी मेरी नासिक की स्याही वाली कलम से। तो ये क्या दे रहा है मुझे? जा वो वाली कलम लेके आ पीछे से। कहाँ से? 10 कदम पीछे जा, पंखे के नीचे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
मिला पंखा मिला, पंखे के नीचे देख। बोले ये लीजिए अन्ना, ये लीजिए। हाँ लीजिए लीजिए लीजिए, ये लीजिए ये। अरे जल्दी लाना मकर, क्या कर क्या रहा है तू, खेल रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं पहन दिया। इधर करने हैं हस्ताक्षर। ये ये इधर इधर। मुबारक हो अन्ना, आपका ये बेटा केशव करोड़पति हो गया है, क्योंकि करोड़ों मिलने वाले हैं मुझे गोखले बंधु की पुश्तैनी दुकान बेच के। मिल जाएगा किले। हेलो, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हाथ में है, अब वादे के मुताबिक आप मालिक और मुझे मेरा 40% पेमेंट मिल जाना चाहिए, बरोबर? तो बताइए कब और कहाँ हूँ। अरे ये सपना है या सच है? मुझे सब दिखने लगा, ऐसे धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है मुझे। अरे वाह, चमत्कार हो गए, सब कुछ दिख रहा है मुझे। अरे प्रभाकर, कैसा विषय, सचमुच में दिख रहा है मुझे, ये दवाई भी दिख रहा है। डॉक्टर ने की दवाई का इतना जल्दी असर होगा, कभी सोचा नहीं था मैंने। अरे बाप रे, सब दिख रहा है। अरे कपट दिख रहा है, खिड़की दिख रही है। ये कितनी उंगली है? चार। एक दो तीन चार। हाँ बराबर है, उंगली दिख रही है मुझे। जोचना की उंगली नहीं दिख रही है? अच्छा जोचना है ही नहीं तो उंगली कैसे दिखेगी उसकी? अन्ना गोखले जी। अन्ना, अरे प्रभाकर बाड़ा, मुझे सब दिख रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं अन्ना? मुझे पता है आपको सब दिखता है। जानता हूँ कि तू जानता है कि मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे ही मेरा मन किया तुझे बोलने का, इसलिए बोला। कौन दे, अभी जा तू, अभी जा, मुझे अपने आपके साथ जरा रहने दे। मेरा हाथ दिख रहा है मुझे, मेरा पेट। बाप रे, बहुत बढ़ गया। अभी आपने आपको बहुत निहार लिया, अभी मुझे मेरे अपनों को देखना है। भगवान जानता है कितना तड़प रहा हूँ मेरे अपनों को देखने के लिए। जोचना से लेकर महेंद्र भाव से लेकर बिस्कुट, सब लोगों को देखना है मुझे। जोचना, क्या हुआ मम्मी, आपने मुझे सुबह सुबह ऐसे? बातें कुछ ऐसी है बेटा, लेकिन मैं अभी अपने आप से अकेले में बात करने वाली हूँ, तू सुनना मत। हाँ अरे मैं सुनू नहीं, और आप अकेले में बात करेंगे तो मुझे क्यों बुलाया? नहीं नहीं तू समझा नहीं, मींस के तू सुन सकता है, लेकिन देख अभी क्या है कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, सिर्फ मैं अपने आप से अकेले में बात कर सकती हूँ, ऐसा वादा किया है मैंने महेंद्र को। तो उर्मिला, उर्मिला। हाँ उर्मिला। अरे तुझे पता है क्या हुआ उर्मिला? नहीं क्या हुआ? देख उर्मिला, मैं अभी तुझे बताऊंगी, लेकिन तू किसी और को बता नहीं सकती। हाँ उर्मिला। अच्छा उर्मिला, पता है उर्मिला, अन्ना भाई की दृष्टि चली गई है, वो देख नहीं सकते, वो सिर्फ देखने का नाटक कर रहे हैं उर्मिला। उस मादा कुत्री चिकी के बारे में महेंद्र भाव और उर्मिला बहन को बिना देखे ही हाँ बोल दिया था मैंने बिस्कुट के लिए। वो महेंद्र भाव और उर्मिला बहन ने कितनी अपेक्षा से बुलाया था मुझे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं सचमुच में वो चिकी कुतरी को देखूंगा, बरोबर उसका बर्ताव देखूंगा,
और फिर मैं अपनी सही राय दूंगा महेंद्र भाव और उर्मिला बहन। अरे उर्मिला, तुझे तो अन्ना भाई मादा कुतरी समझकर अपनी राय देने वाले थे, लेकिन फिर तेरा तो ऐसा ही है उर्मिला, तुझे कभी भी कोई भी कुछ भी समझ लेता है। देख उर्मिला, मेरे बारे में कुछ भी मत बोला, खबरदार है, चल हट। अबे तू जाना उर्मिला, तू जाना उर्मिला। ए, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। एक मिनट मम्मी, क्या कर रही है आप? अभिषेक है बेटा, तूने मुझे अपने आप से बात करते हुए सुन लिया? आप अगर ऐसी बात करेंगे ना तो पूरा महादेव पेट सुन लेगा। अभिषेक, उर्मिला के मुंह पे पट्टी मार दो, वरना हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। मींस कि आपने इसको पहले से ही सब कुछ बता दिया है? हाँ, लेकिन सिर्फ अभिषेक को। देखो उर्मिली, अन्ना भाई देख नहीं सकते, इस बात का पता हम तीनों के अलावा और किसी को नहीं चलना चाहिए, वरना हम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभिषेक न्यूजीलैंड नहीं गया, इतनी बड़ी बात छुपाई उसने मुझसे, और अभी इन गुजराती लोगों के साथ मिलके कुछ पिलन बिलन बना रहा है, वो भी मेरी विरुद्ध। हे परमेश्वरा, ये देखने के लिए दृष्टि दी क्या तूने मुझे? है महेंद्र, हाँ? ये आप मकसद प्लान ये सब क्या कह रहे हैं? अब कौन सा नया पैतरा खेलने वाले हैं आप दोनों? नया कुछ भी नहीं है उर्मिली, सब पुराना है, वही परंपरा और परिवर्तन की पुरानी लड़ाई। ये अभिषेक भले ही अन्ना भाई के प्यार में ये बात भूल गया है कि इसका और अन्ना भाई का रास्ता अलग अलग है, लेकिन कभी ना कभी तो इसे अपने रास्ते पर चलना ही होगा। क्यों अभिषेक? देख बेटा, हमें आज नहीं तो कल अन्ना भाई के साथ युद्ध लड़ना ही था, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है जब अन्ना भाई को दिख नहीं रहा है? दिख नहीं पा रहे? मैं तो समझता था कि किसी को मालूम नहीं है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, और आखिरकार महेंद्र भाव ने जान लिया। हाँ, पर वो तो बेचारे अभी भी ऐसा समझ रहे हैं कि मैं देख नहीं सकता, जबकि आप भी आएगा मजा। हमें अन्ना भाई की दृष्टिहीनता का फायदा उठाना ही होगा अभिषेक। यस पापा, इस बार गलती नहीं होगी, हम अन्ना के आंख के नीचे से परंपरा को हराकर परिवर्तन को जिताएंगे। देखो आप, अरे वाह मेरे राम, अपने दशरथ को दुर्दृष्ट समझ रहा है और स्वतः दुर्योधन बन रहा है, ये गुजराती शाकुनी भिकुनी के साथ मिलके षड्यंत्र रच रहा है मेरे विरुद्ध। पर अभी मैं मात्र अन्ना बाढ़ कृष्ण गोखले हूं, जिसको सब दिखता है, जो अपनी आंख के नीचे तेरे षड्यंत्र में तुझे सफल नहीं होने देगा, समझा? हेलो डॉक्टर उषाताई, मैं अन्ना बाड़कृष्ण गोखले बोल रहा हूँ, आपसे एक जरूरी काम था। ये ले, ये तेरा पैकेट जया, और ये आपका पैकेट लता वैनी। लापता वैनी, तुम्हें सबको अच्छा तो लग रहा है ना? लापता नहीं, लता। अबे यही बदू सेम अवे, अभी लास्ट में ता तो आया ना, आप क्या बाल की खल निकालने बैठ जाते हो? सीधे सीधे बताओ ना, घर में सबको अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है उर्मिला बहन, सब बहुत खुश है, आप ऐसे ही दाव खेलते रहो। हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बहन, आप देखते जाओ और कितने पैकेट्स आते हैं। अरे आप लोगों के घर में रखने को जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन हमारे पास माल कम नहीं पड़ेगा। बुलेट ट्रेन, अरे बाय 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 के बीच में स्टेशन पकड़ और बता क्या हुआ पहले। वो अन्ना ने सबको वाड़े में बुलाया है, उनकी डॉक्टर भी आए हैं, आप चलिए। है बेन जाओ, आपको और महेंद्र भाव को भी बुलाया है। अच्छा, तो पहले आप लोग जाओ, मैं महेंद्र को लेकर आती हूँ। बरोबर, पछि मोड़ो, तुमने ये जरा ध्यान रखो।
सॉरी। ओह, मैं शांत ही हूँ। आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई। भाई 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 भाई। इसलिए अन्ना उस दिन मिर्ची पे से चले गए और इसलिए प्रभाकर भाई को अभिषेक की आवाज में। चुप रहने डूबी। मैं चलती हूँ, आप लोग इनका ख्याल रखिए। अगर कुछ भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। अभी जो हो गया सो हो गया, नहीं देख सकता तो अभी क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा सुनो अन्ना। टीकू मैं टीकू, मेरा अभिषेक कभी भी जान ना पाए कि उसका अन्ना देख नहीं सकता करके। उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। हाँ तुझे गोद में खिलाया और तू मेरे ही साथ खेल खेलने लगा, लेकिन अब बस, अब जो भी खेल होगा वो बाड़कृष्ण गोखले खेलेगा, और मात्र खेलेगा ही नहीं, इस खेल को जीत के दिखाएगा, समझा तू? निर्मिति, वहनी वहनी, आप थोड़ा धैर्य रखे, मैं आ ही रही थी। वही तो नहीं रख पा रही हूँ। सासूबाई के मामले में एक बड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे। एक तरफ मुझे कहती है मार्केट से सब्जी लाने के लिए पैसों की तंगी है, और मुझे इतने पैसे कम देती है कि मुझे मुरझाया हुआ धनिया लाना पड़ता है, और खुद मार्केट से चार चार पैकेट स्ट्रॉबेरी लेकर आती है। सबसे पहले तो आप जब भी कुछ अर्जेंट बात करेंगी ना वहनी, प्लीज इशारे मत करना, मेन बात पीछे छूट जाती है। चलिए अब जल्दी से बताइए कि स्ट्रॉबेरी का इशारा ऐसे कैसे? स्ट्रॉबेरी का नहीं, ये सिर्फ स्ट्रॉ का इशारा था। थोड़ा तो समझना निर्मिति, इतने बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज के चार चार डिब्बे लेके आई है, और हर डिब्बे पे 400 रुपए लिखा है। अभी पैसों की तंगी है तो सही, मुझे आई खरीद कर तो नहीं ला सकती है ना? मुझे भी लगता है कि स्ट्रॉबेरी की स्मगलिंग के चक्कर में उनको जेल हो गई तो। वही स्ट्रॉबेरी की कोई स्मगलिंग करता है क्या? शुभ शुभ बोलिए। बराबर, ड्रग्स के स्मगलिंग के चक्कर में उनको जेल हो गई तो वो वाला ड्रग्स क्यों बेचेंगी? तो कौन सा गैर कानूनी काम करवाऊं उनसे? तो कुछ सुझाव देना। सोच, 20 साल बाद सासूबाई ऐसे लाठी के सहारे जेल से बाहर आएंगी, बाल पके हुए, दांत गिरे हुए, और इधर से हम ढोल नगाड़ा लेकर उनके स्वागत में फूल माला लेकर जाएंगे, और वो आहो ऐसा बोलेंगे, और अन्ना बोलेंगे मैं शांत ही हूँ। फिलहाल आप शांत रहिए वहनी, उनको जेल भेजना ही क्यों है? अगर भेजना ही है तो पापा को भेजिए ना, इतने दिनों से शूज लाने को बोला है, अगर आज वो नहीं लाए ना तो देख लेना मोर्चा लगाऊंगी मैं उनके खिलाफ। तू चिंता मत कर, मोर्चा निकालने में मैं भी तेरे साथ हूँ। अरे कौन है वहाँ? जोचना है क्या? लगता है कोई जंगली चूहा घुसा है। केशव, केशव काट दे। क्या क्या कर रहा है तू? एक तो तू दुकान की बिक्री का हिसाब भी नहीं दिया था तूने मुझे। केशव काका, वो हम लोगों ने बोला था ना कि हमारे जूते फट गए, तो उसका क्या हुआ? वही लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, उज्ज्वला। लेकिन उसके लिए अन्ना से छुपके जाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सुना अन्ना पूछ रहे थे कौन है कौन है, तूने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब देने ही वाला था इनको, लेकिन मैं कुछ बोलूं उसके पहले ही इन्होंने राजा दशरथ की तरह अपना शब्द विधि बाण चला दिया। अरे मेरे कमरे में जाना, वो मेरा मसाला गुप्त मसाला नहीं कपट में है कि नहीं? हाँ, जल्दी जाके हाँ, देख बाबा। अरे कोई है? केशव केशव अभी बाहर गए। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे अरे अभी तो आए, अभी क्यों जा रहे हैं आप? मुझे केशव से अर्जेंट काम है। हाँ आता हूँ आता हूँ।
लगता है महेंद्र बाबू शामिल है केशव की कारनामे में। दोनों को रंगे हाथ पकड़ता हूँ। अरे कोई है? क्या केशव दादा? किधर किधर जा रहे तू? तो कमाल है, मैं अपनी राह जा रहा हूँ महेंद्र भाऊ, कहीं भी जाऊं आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तेरे जाने में नहीं है, तेरे जाने के तरीके में। तेरी तरह आदमी चोरी छुपे तभी जाता है जब उसका किसी के साथ लफड़ा होता है। पापा आप कुछ भी बोल रहे हो, महेंद्र का इनके साथ कौन लफड़ा करेगी? तू कहना क्या चाहता है? मैं स्मार्ट नहीं हूँ, दिल का अच्छा नहीं हूँ। निर्मिति हमेशा कहती है कि उसने मेरा स्वभाव देख के मुझसे शादी की है। वो स्वभाव जो तूने उसे दिखाया, उसे देखकर उसने शादी की तुझसे, समझा? अच्छा चल वो सब छोड़, बता ना किधर जा रहे हैं? अभिषेक। अरे बता। अन्ना। चल गया ना अपनी चाल। अब इससे पहले कि वो अपना गेम खेले, हमें अपना काम करना है। अभिषेक पापा आप सही कह रहे, अन्ना का ना देख पाने का फायदा हमें उठाना ही चाहिए।